फेयरवेल में पीएम मोदी की टिप्पणी से क्यों आहत थे हामिद अंसारी? एक साल बाद हामिद अंसारी ने पीएम मोदी को क्या जवाब दिया है? करीब एक साल पहले पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जब रिटायर हो रहे थे, तब पीएम मोदी ने भी अपना विदाई भाषण दिया था। अपने भाषण के दौरान पीएम ने राजनयिक और बतौर उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल की सराहना करने के साथ साथ चुटकी भी ली थी। उस वक्त अंसारी ने पीएम के भाषण पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने उसका जवाब दिया है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि उनके विदाई भाषण में पीएम की टिप्पणी को बहुत से लोग मौके के लिहाज से सही कमेंट नहीं मानते हैं। अंसारी ने कहा कि काफी लोगों का ऐसा विचार है कि विदाई भाषण के वक्त की गई उनकी टिप्पणी परंपरा के अनुकूल नहीं थी। अंसारी के मुताबिक विदाई समारोह में पीएम ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा तो की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने मेरे व्यक्तिगत रुझानों की ओर भी संकेत दिए थे। बकौल पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने मुस्लिम मुल्कों में बतौर राजदूत मेरे कार्यकाल का उल्लेख किया था। राजदूत के पद से रिटायर होने के बाद अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर मेरी सक्रियता की तरफ उनका संकेत था। अंसारी ने कहा कि पीएम का संकेत शायद बेंगलुरु में दिए मेरे उस भाषण और राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू का था, जिसमें मैंने कहा था कि अल्पसंख्यक और कुछ दूसरे समुदाय के युवाओं में बेचैनी और असुरक्षा का भाव है। आपको बता दें कि अपने भाषण में हामिद अंसारी के लंबे राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा था कि आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। बतौर डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत सारे आपके साल बीते, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वहीं रहा, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो। हालांकि इन 10 सालों के दौरान आप संविधान के दायरे में चले, लेकिन आज के बाद शायद आपको वैसा संकट नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार कार्य करने, सोचने का और बात बताने का अवसर भी मिलेगा। शायद पीएम मोदी की यही बात अंसारी को अखर गई, जिसका जवाब उन्होंने अब दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।